केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे ग्वालियर की तस्वीरें। और अब इस वक्त रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और इस मौके पर डिजिटल बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के बसोड़ है, उनको भी काम मिला है और 18 करोड़ का उसका पेमेंट हुआ है। रोजगार देने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पहली बार काजू खरीदने का काम भी हम लोगों ने बस्तर में किया और 5000 क्विंटल काजू संग्रहित किए। वहां बकावंड में प्रतिदिन 100 से 200 महिलाएं काम कर रही थी, उनको रोजगार मिला। और पहली बार ये हुआ कि काजू 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदी की और जो बिक्री करने के बाद जो राशि अतिरिक्त राशि मिलेगी उनको भी जो संग्राहक है उसको वितरित करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों के जेब में पैसा जाए, ये हमारे राहुल जी हमेशा कहते हैं कि गरीबों के, किसानों के, आदिवासियों के जेब में पैसा जाएगा तो हमारे यहाँ समृद्धि होगी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने डीएमए के पैसे का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और इसे मलेरिया के घर घर में जांच कराए, उसका लाभ भी स्वास्थ्य की दिशा में मिलेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का भी लाभ बस्तर को बहुत अधिक मिला है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का भी लाभ मिला है। तो लगातार जनता की सेवा, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के हम लोग चिंता कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने जन्मदिन के अवसर पर मुझे शुभकामना दी, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से हम सब एक साथ मिलकर न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को समृद्धि के रास्ते पर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सभी बस्तर के लोगों का बहुत धन्यवाद। अब सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग से जुड़ेंगे सरगुजा बलरामपुर चंदपुर जिले के बस्तर को डिस्कनेक्ट कर दिए, बस्तर संभाग को डिस्कनेक्ट कर दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बता दें, आज आपको जन्मदिन है और इस मौके पर भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश के आम नागरिकों, जिला, शहर, नगर निगम, ब्लॉक अध्यक्ष के कोरोना महामारी को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हो रही है। संभागवार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। अभी अभी मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में जो वहाँ के प्रतिनिधि वहाँ से उनसे बातचीत की और अब सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री जुड़े हैं। जी, मैं राकेश जी।